आंवले का मुरब्बा इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और हार्ट हेल्दी रहता है। आज हम बनाएंगे गुणकारी इंस्टेंट आंवला मुरब्बा, क्योंकि पारंपरिक तरीके से आंवला मुरब्बा बनाने में टाइम और मेहनत दोनों ज्यादा लगती है। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट, तो आइए शुरू करते हैं। आंवला मुरब्बा बनाने के लिए जब आप बाजार से आंवले खरीदे तो ध्यान दे कि वे ताजा हो और बड़े हो। बड़े इसलिए क्योंकि जब हम आंवलों को कद्दूकस करेंगे तो छोटे आंवलों को कद्दूकस करने में वक्त ज्यादा लगता है। मैंने आंवलों को धोकर उन्हें कपड़े पर फैलाकर सुखा लिया था। आंवला मुरब्बा बनाने के लिए हमें चाहिए आंवला 1 किलो, चीनी 1 किलो, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और रेड फूड कलर 1 चुटकी। एक आंवला लेकर उसे ऐसी मोटे वाली कद्दूकस से कद्दूकस करें। आप चाहे तो इसे छोटे वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब मुरब्बा बनता है और उसमें लच्छे दिखते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है। इस तरह पूरे आंवले को कद्दूकस कर लीजिए। एक स्टील के बर्तन में कद्दूकस किया हुआ आंवला डालें। हमने जितना आंवला लिया है उतने ही हमें चीनी लेनी है। हमने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया था, इसलिए चीनी भी हम 1 किलो ही लेंगे। कद्दूकस किए हुए आंवले में चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करके 10-12 घंटे या रात भर रहने दीजिए। ऐसा करने से आंवले में अंदर तक चीनी चली जाएगी, जिससे आंवला मुरब्बा स्वादिष्ट बनेगा। एक बात का ध्यान रखें कि कद्दूकस किया हुआ आंवला रखने के लिए आप स्टील के बर्तन की जगह कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन तांबा, पीतल, लोहा या एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन बर्तनों में आंवले के साथ बर्तन का केमिकल रिएक्शन होकर आंवला खराब हो जाता है। दूसरे दिन आप देखेंगे कि आंवले में चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गई है। एक नॉनस्टिक कढ़ाई या मोटे तले के स्टील के बर्तन में यह मिश्रण डालकर उसमें नमक और काला नमक डालकर मिक्स कर ले। धीमी आंच पर मुरब्बे को पकने के लिए रखें। 2-3 मिनट ढक्कन लगाकर पकने दीजिए। अब ढक्कन हटाकर मध्यम से तेज आंच पर लगातार चलाते हुए पकाइए, ताकि मुरब्बा तले में नहीं जले। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि मुरब्बा थोड़ा सा भी जल गया तो मुरब्बे का स्वाद कड़वा हो जाएगा, इसलिए मुरब्बे को लगातार चलाते रहे। थोड़ी ही देर में मुरब्बा गाढ़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि हमें मुरब्बे को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। उंगली पर थोड़ी सी चाशनी लेकर देखिए, यदि एक तार बन रहा है तो गैस बंद कर दीजिए। हो सकता है कि आपको अभी मुरब्बा थोड़ा पतला लग रहा हो, लेकिन ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए चाशनी का सिर्फ पतला सा एक तार आने पर ही गैस बंद करना है। यही वह निर्णायक पल है जहां हमें बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि यदि मुरब्बा कच्चा रह गया तो वह जल्दी खराब हो जाएगा, और यदि थोड़ा सा भी ज्यादा पक गया तो इतना कड़ा हो जाएगा कि आप खा ही नहीं पाओगे। इलायची पाउडर और 1 चुटकी लाल फूड कलर मिलाकर मुरब्बे को ठंडा होने दीजिए। मुरब्बा ठंडा होने पर इसे किसी कांच, प्लास्टिक या चीनी के बर्तन में भरकर रख दीजिए। मुरब्बा कभी भी तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम के बर्तन में न रखें। लीजिए, तैयार है आंवले का स्वादिष्ट मुरब्बा। ये मुरब्बा आप अभी भी खा सकते हैं। एक बार बनाकर आप इस मुरब्बे को फ्रिज में रखकर साल भर तक खा सकते हैं। दोस्तों, हमने आंवले का इंस्टेंट मुरब्बा तो बना लिया, लेकिन आंवले की गुठलियों को न फेंके, क्योंकि यह बहुत ही गुणकारी है। आंवले की गुठलियों का क्या और कैसे उपयोग करें, यह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पब्लिक होने पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।